हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और आज हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोड एक्सपीडिशन के लिए, बट दो दिन पहले ही प्लान बन गया। कल था पहला दिन था ऑफ रोड एक्सपीडिशन का, आज दूसरा दिन है, आज लास्ट डे है। और मैंने आज अपनी ये वाली बाइक निकाली है जो आप लोगों ने आज तक नहीं देखी। सो हिमालयन में क्यों नहीं लेके जा रहा, इसका रीज़न मैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। सो अभी हम लोग मिलते हैं मीटिंग पॉइंट पे जाके। सो रीच्ड हियर एट मीटिंग पॉइंट और ये सब लोग आ रहे हैं हमारे साथ, तो अभी निकलेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत सारी बाइक्स है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी किए हुए हैं। हमारे साथ है दो इम्पल्स, एक एक्सपल्स, एक मॉडिफाइड यूनिकॉर्न, एक GS 310, एक सामुरा, एक यामा RX 100, मेरे पास है सुजुकी MAX 100 और एक पल्सर 220। अभी लेट्स सी, इधर से डेस्टिनेशन है 25 किलोमीटर्स जिधर इवेंट हो रहा है। सो देखते हैं उधर जाके क्या होता है और कितनी बाइक्स देखने को मिलती है, क्या होता है, कैसे लोग आए हैं सब लोग और वेदर कैसा है, सब देखते हैं उधर जाके। और फिर डायरेक्टली मिलते हैं इवेंट की जगह पे पहुंच के। सो फाइनली वी आर रीचिंग आवर डेस्टिनेशन और 5 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे जिधर इवेंट हो रहा है। और बहुत सही वेदर है, वेदर अपडेट बहुत सही वेदर है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, धूप है बट गर्म थोड़ा भी नहीं हो रहा और ठंडी हवा चल रही है मस्त। सो वेरी गुड वेदर टू राइड और इवेंट के लिए तो बहुत सही है। आई होप थोड़ी बारिश होगी, होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ रोड इवेंट है। ऑफ रोड इवेंट के टाइम पे अगर बारिश नहीं हुई तो ऑफ रोड का कोई कुछ भी मज़ा नहीं। सो फार रोड्स आर ऑल्सो वेरी गुड और आज रोड का इतना सोचने का पॉइंट भी नहीं है क्योंकि हम लोग आए हैं ऑफ रोड के इवेंट के लिए। सो और हमारे पास है 2-स्ट्रोक बाइक, एक्चुअली हिमालयन भी इसी चीज़ के लिए बनी है, पर उसका रीज़न अलग है कि मैं हिमालयन क्यों नहीं लाया, उसका एक वीडियो बनने वाला है बहुत जल्द। तब तक ये रूट एंजॉय कीजिए और हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और 2-स्ट्रोक चलाने का मज़ा ही अलग होता है, मतलब हमको अभी आदत हो गई है 400-500 सीसी चलाने की, इसलिए हमको ये बाइक अंडर पावर्ड लगती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ रोड के टाइम पे इससे अच्छी बाइक इतने आराम से निकलने में, और मेन चीज़ जब स्लश आता है स्लश में हमारी बड़ी बड़ी बाइक्स फंस जाती है। इन बाइक्स को कुछ नहीं होता, 2-स्ट्रोक बाइक्स मतलब जैसे सुजुकी मैक्स 100, सामुराई, यामाहा RX 100, इन बाइक्स का कोई सीन नहीं होता स्लश के टाइम पे भी, क्योंकि आराम से निकल जाती है, बहुत हल्की होती है, मतलब 50% वेट कम होता है हमारी हिमालयन और क्लासिक से। बहुत सारे लोग हिमालयन क्लासिक भी लेके आए, हमारे साथ खुद एक GS 300 वाला है। सो लेट्स सी, मज़ा तो बहुत आने वाला है अभी, तो आपको मिलता हूँ डेस्टिनेशन पे पहुँच के तब।
सो द राइड हैज स्टार्टेड, द इवेंट हैज स्टार्टेड, वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी राइड स्टार्ट हो गया एंड द ऑफ रोड पैथ स्टार्ट्स नाउ. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. आई होप इवन यू गाइज आर एंजॉइंग द रूट. और ये वाला फुटेज में मोस्टली बहुत रॉ रखने वाला हूँ, क्योंकि आपको वही फील है कि जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. मतलब ज़्यादा कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर रहा, म्यूज़िक वगैरह भी नहीं डालने वाला, क्योंकि फिर ऑफ रोड का वो फील नहीं आता किसी को. अभी इस वाले बाइक की चेन उतर गई नीचे, इसलिए हम लोग अभी रुक गए इधर. वी आर वेटिंग फॉर सपोर्ट. उनकी जीप अभी आने वाली है ऊपर से, तो वो जीप आने के बाद हम लोग रिपेयर करेंगे. अगर नहीं हुआ तो बाइक जीप में डाल देंगे और एक जीप में बैठ के आगे चला जाएगा. वर वेटिंग फॉर बैकअप, बट बैकअप तो कोई मिला नहीं, इसलिए अभी मोहित टो कर रहा है दूसरी बाइक को और मैं आगे जाके देख रहा हूँ अगर आगे कोई बैकअप है, क्योंकि एक बाइक की चेन उतर गई थी, चेन टूट गई थी और हमने रिपेयर करने का ट्राई भी किया बट टूल्स कम पड़ रहे थे उसके लिए. सो लेट्स सी क्या होता है, आगे देखता हूँ मैं भी अगर कोई बैकअप वगैरह है. यार इवेंट पे तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी के साथ. और आई थिंक लोग भी लिमिटेड है इसलिए बैकअप कम है, क्योंकि एवरी टाइम बहुत सारे लोग रहते हैं.
मेडिकल बैकअप रहता है, टेक्निकल बैकअप रहता है, बट इस साल मेरे को वो सब कम लग रहा है। आई होप बैकअप मिल जाए आगे। ब्रो पीछे से कोई बैकअप कार आ रहा है क्या? पीछे से कोई भी नहीं है, संग्राम और सबका गाड़ी आगे मैं भेज रहा हूँ, दो तीन बाइक खड़ा है। ओके, क्योंकि एक फ्रेंड की चेन टूट गई पीछे। हाँ, क्या हुआ तुम्हारा? एक फ्रेंड का चेन टूट गया है पीछे। अभी क्या करूँ बताइए, क्या उधर एक आधा घंटा बैठो हो गया। हम लोग सबसे पहले निकले थे, 45-50 मिनट्स उधर बैठ गए, अभी एक टो कर रहा है एक फ्रेंड। अगर चाहिए ना बैकअप व्हीकल चाहिए तो आधा एक घंटे से पहले तो आने वाली नहीं है। ओके, क्योंकि जब सब निकलेंगे तब वो बैकअप व्हीकल लेंगे। थांबे एकाला विचारलं आत्ता, मागे पण दोन तीन जणांच्या गाड्यांचा शॉर्ट झालाय, तर ते संग्रामला जाऊन सांगतोय एक जण पुढे 10 किलोमीटरचा पॅच आहे, तर तो म्हणला जोपर्यंत सगळे निघत नाही तोपर्यंत बॅकअप कार येणार नाहीये। तो म्हणला एक तर तिकडे चला गाडी ठेवून, नाहीतर इकडे एक तास थांबायला लागेल। और एक बाइक की चेन टूट गई इसलिए अभी वो पिलियन बैठ गया, हमने बाइक ऊपर पार्क की है। तो मैं अभी रुक गया था बिकॉज मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने बैटरी चेंज की। तब तक बाकी लोग आगे निकल गए बिकॉज वेटिंग हियर इज़ नॉट गुड, क्योंकि सब लोग स्पीड में आ रहे हैं, इसलिए मैंने किसी को रुकने को नहीं बोला। बट सो फार सो गुड, बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। तो सीन हो गया, चेन वेन टूट गई, पर ठीक है, कोई नहीं, चलता है। टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम लोग इतना कुछ नहीं बोल सकते, वो तो होना ही है, कभी तो होना ही है, सबके साथ हो सकता है, बट प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अभी तक जो आपने वीडियो देखा उसके बाद सीन ऐसा हो गया कि मेरा GoPro हो गया था हैंग, और बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर अपडेट उसके बाद मेरा GoPro चालू ही नहीं हुआ कल। मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरीज थी, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स थे, पर इस बार सीन ऐसा हो गया कि GoPro ने ही पोपट कर दिया, GoPro चालू ही नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर अपडेट। और जो कल के इवेंट का मेन पैच था, जो ऑफ रोड का मेन पैच था, वही रिकॉर्ड नहीं हुआ, उधर तक सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरा पे। और क्या बोलूँ यार, बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरा भी, क्योंकि मेरे को जो पार्ट सबसे अच्छा लगा था और मैंने जो सोचा था दिमाग में कि ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे मैं वीडियो में डालूंगा, वो पार्ट डाल ही नहीं सकता क्योंकि वो वाला फुटेज है ही नहीं मेरे पास। टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, पर ऐसा इशू कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि इतने अच्छे इवेंट को जा रहे हैं हम लोग और ऐसा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है जो मेन पार्ट है वो वाले इवेंट का। बट कोई नहीं यार, मैं एक ही बात आपको बताऊंगा कि 8Moto जो भी है ऑफ रोड एक्सपीडिशन हर साल अरेंज करता है, वो बहुत से इवेंट होता है फॉर ऑल दी ऑफ रोडर्स जिनको ऑफ रोडिंग अच्छा लगता है। तो आई विल टेल यू गाइज कि अगर आपको ऑफ रोडिंग करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो फॉर दैट इवेंट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर भी ज़रूर ये इवेंट होगा, इस साल लिमिटेड लोग थे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। और बाकी का भी अगर GoPro का जो सीन हो गया उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि GoPro चालू नहीं हो रहा था, मेरे को तो लगा कि GoPro ख़राब हो गया है। तो घर पे आने के बाद ऑब्वियसली मेरे को पता चल गया कि बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट मेरा GoPro बंद हो गया था। बट
मेरे को लगा कि मेरा गोप्रो तो गया इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया था। ऑब्वियसली मैंने राइड तो बहुत एंजॉय की, हम लोग एंड पॉइंट तक जाके वापस आए सेफली, कोई क्रैशेस नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। एक ब्रेकडाउन हुआ था बाइक का, वो सिर्फ उतना ही हुआ, बाकी सब लोग आराम से घर पहुंच गए, सब ने आराम से इवेंट ख़त्म किया। बट मेरा मूड ऑफ हो गया था इसलिए मेरे पास फ़ोन था, पर फ़ोन से भी मेरा रिकॉर्ड करने का कुछ मूड नहीं हो रहा था। आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द राइड और सारे व्यूज़ वगैरह जो भी है, और दोस्तों के साथ बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसके आगे कुछ व्लॉग किया नहीं। और मैंने कैमरा और फ़ोन दोनों बैग में रख दिए थे। और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं इस इवेंट के लिए हिमालयन क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ, तो उस चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैंने बाइक्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, क्या क्या आफ्टर मार्केट चीज़ें लगाई है, वो वाला वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ हिमालयन पे। सो वो वाला वीडियो आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू शूट दैट वीडियो इन दिस वीक। सो लेट्स सी, अगर अब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 230 सब्सक्राइबर्स ही बाकी है टू कम्प्लीट आर 1000 सब्सक्राइबर्स। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लेट्स क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। और फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।